अभी के हाथ के बने पराठे, आज चूल्हे की रोटी। तो यहाँ पे भाभी बना रही है चूल्हे में रोटी, और आज मेरे को यही इनवाइट है। मोटी भाभी खुद को मोटी कद्दू बोल रही है। एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत पहाड़ों से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलाग। मेरा नाम है ममता और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से लेके, और यहाँ पर बना रही है भाभी नाश्ता। और भाभी ने आज मेरे को भी यहीं इन्वाइट किया है, क्योंकि आज भाभी लोग जाने वाले हैं तो इनके आने तक मैं चली जाऊँगी, इसलिए भाभी ने बोला आज साथ में नाश्ता करते हैं। तो मैं भी ऊपर आई हूँ अभी, नहीं तो हमारा किचन नीचे है। तो मम्मी ला रहे कुछ सामान अंदर से, भाभी रोटी बना रहे हैं। पहले हमारा किचन यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब दूर होने के उससे पानी लकड़ी सब लाना पड़ता है, इसलिए हमारा किचन अब नीचे ही है। और यहाँ पे आज मौसम ना कहीं पे आग लगी है शायद, इसलिए धुंधला धुंधला टाइप का हो रहा है। और वहाँ जो पंचाचुली के आगे वाले पहाड़ है उस साइड पर पूरा आग लगी है शायद, तो पूरा यहाँ पर धुआं धुआं फैल रखा है। तो यहाँ से मौसम थोड़ा सा साफ दिख रहा है, लेकिन उस साइड से बहुत धुंधला दिख रहा था। ये है हंसलिंग की चोटी, जो इसमें बर्फ़ पिघल गई है बिल्कुल ही। और इस साइड को है खल्लिया टॉप, और खल्लिया टॉप का ये हिस्सा है। और यहाँ पे ना बिल्कुल जंगली जंगल है, बीच में रिजॉर्ट रिजॉर्ट बने हैं खल्लिया टॉप के। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं तो वहीं रिजॉर्ट में रहते हैं। और यहाँ पे काम करने वाले जो महिलाएं हैं वो सभी आ चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, अभी धूप सेक रहे, धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे सानू है, परी है और हमारे राव जी हैं, अपने दादू के साथ खेल रही है परी। वह कर रही है, वह कर रही है, वह कर रही है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनका लाड़ प्यार हो रहा है अभी। ये यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। भाभी किसमें खा रही है? और ये भैया का है सिंपल रोटी, हमारे लिए पराठे, बाकी हम सबके लिए पराठे हैं। और हम कर रहे हैं अभी नाश्ता एक बार। तो यहाँ पे बैठ के नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, ठंडे ठंडे में। धूप भी नहीं आ रखी है, हल्की सी धूप आ रखी है। पहले खा लो रोटी। तो दोस्तों मेरे पीछे चहल पहल दिख रही होगी, लेकिन आज यहाँ पे काम करने वालों के लिए स्पेशल डिश बनाया जा रहा है। तो स्पेशल डिश क्या बनाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हलवा, सूजी का हलवा बन रहा है। ये है कारीगर, और यहाँ पे है हेल्पर भी बैठे हैं, कुकमैन है कार। ये बहुत टेस्टी हलवा बनाते हैं। बाकी वहाँ पे खड़े हैं जेंट्स सभी यहाँ पे हैं, लेकिन लेडीज कोई कोई हैं तो महिलाएं अभी आएंगे और वो पत्थर या कंकड़ या सीमेंट लेके आएंगे। बड़ा खाना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है सूजी, यहाँ पे किया जा रहा है नारियल कद्दू का सूजी के हलवे में डालने के लिए। और कारीगर हाँ, और कारीगर हैं, हेल्पर भी वहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे आ गए हैं पत्थर लेने वाले। चलो भाई चलो चलो चलो, हेलो गाइस, यहाँ देखो ना फिर। तो आज का कारोबार ये है यहाँ का, पहाड़ी महिलाओं का काम काज। हेलो वीना, हाय, हेलो भाभी जी, बाय बाय। यहाँ पे हमारी बुआ जी, हेलो हेलो भाभी जी। तो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो काम करने वालों की, और अभी आधे नहीं आए हैं। काम से आ रखे हैं, और अभी ये बोल रहे मेरी वीडियो निकालो। मस्त आ रहे हैं बिल्कुल झक्कास।
तो यहाँ पे सबसे अच्छी तो भाभी बन रखी है। जय कामकाजी महिलाएं, कामकाजी महिलाओं का ये है निशानी सर्टिफिकेट। किसी को आलू की वो है जरूरत है, जरूरत है तो मेरे से किसी ब्लॉग से संपर्क कर लेना, कमेंट मार सकते हैं। तो ये है, भाभी जी चले गए हैं, बाकी यहाँ पे बुआ जी और चाची जा रहे हैं मंदिर, और भरारी मंदिर जा रहे हैं ये, और बिल्कुल तैयार होके दिन के 2 बजे। और यहाँ पे बड़ी पूजा होती है तो लेट में ही खाना वाना बनता है, इसलिए लेट जा रहे हैं। चलो फिर बाय बाय। हेलो गाइज, तो भाभी जी जा रहे हैं। हम तो बढ़िया, आप कैसे हो? बस यार हम ज्यादा बढ़िया हैं। ज्यादा बढ़िया भी होना चाहिए। और भाभी जी जा रहे हैं धूप सेकने, धूप सेकने सेको सेको फिर टाइम पास। चलो फिर बाय बाय। निशानी आलू का कटा, अगर सर्टिफिकेट किसी को आलू की वो है जरूरत है, जरूरत है तो मेरे से किसी ब्लॉग से संपर्क कर लेना, कमेंट मार सकते हैं। तो ये है, भाभी जी चले गए हैं, बाकी यहाँ पे बुआ जी और चाची जा रहे हैं मंदिर, और भरारी मंदिर जा रहे हैं ये, और बिल्कुल तैयार होके दिन के 2 बजे। मसूर की दाल, भात, हरी सब्जी, नींबू और चटनी। घर आने के बाद हमारे लिए खाना लग चुका है,